जहां ये चुनाव लोकसभा के प्रत्याशी के चुनने का है, वहीं ये चुनाव हमारे बूथ और प्रभारी और कार्यकर्ता और जनता को नेताजी को याद कर करके हमें एक एक वोट साइकिल के निशान पे डालने का भी चुनाव है। जहां नेताजी जमीन से लेकर के और जनता के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे, वो जमीनी नेता थे, इसीलिए देश के इकलौते नेता को जिसको धरती पुत्र कहा गया, किसी दूसरे नेता को धरती पुत्र नहीं कहा। जो संस्थाएं हैं उनको धीमे धीमे खत्म किया जा रहा है, जहां महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और सरकार जो बैठी है वो हम लोगों को आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इसलिए जहां तमाम मुद्दे हैं वही देश ये देखेगा कि मैनपुरी लोकसभा कितने वोटों से जीत करके आ रही है। 2 लाख से कम नहीं साहब, सबकी निगाहें हैं मैनपुरी लोकसभा पर। हम किसी का जवाब नहीं देना चाहते, जवाब देने के मंच दूसरे भी होंगे। अभी केवल हम लोगों को नेताजी की बातें लेकर के और नेताजी ने जो काम किया है, जिस तरीके से लोगों को जोड़ा है और जिस तरीके से हमें और आपको पहचान के साथ साथ सम्मान मिला है, उसका चुना रही है। क्योंकि जब हम याद करें तो हम याद के साथ साथ उनको बूथ पर अच्छे वोट दिलाने का भी काम करें। मैं एक बार फिर अपने किसी विधानसभा के सभी कार्यकर्ता नेताओं का धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, और इस उम्मीद और भरोसे के साथ कि जब आप वोट डालोगे तो ऐतिहासिक वोट दिला करके डिंपल यादव को आप जिता करते हैं। इसलिए मेहनत आपको करनी है। जो बूथ के दिन वोट पड़ता है वही गिना जाता है, जो बूथ पे पहुंच जाता है वही वोट पड़ता है। इसलिए हमारा आपसे सबसे निवेदन और विशेष अपनी महिलाओं से निवेदन है कि सब लोग मिलकर के ज्यादा से ज्यादा वोट डलवा देना, ज्यादा से ज्यादा वोट पहुंचा देना, क्योंकि पूरे देश की निगाहें अगर किसी चुनाव पर हैं तो वो आपके मैनपुरी लोकसभा चुनाव पर। नेताजी ने मैनपुरी को पहचान दी और मैनपुरी के लोगों ने नेताजी को नेताजी बना दिया। इसलिए एक एक वोट आप समाजवादी पार्टी और चुनाव से साइकिल को दे देना। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।